पहुंच चुके हैं श्री साई बाबा का मंदिर में और यहाँ पे खाना दे रहा है तो खा के जाएंगे, ये भूख भी लगा है। ओके वेट 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 तो भाई फाइनली लिफ्ट मिल चुका है, बहुत मशक्कत के बाद भाई, बहुत गर्मी है यहाँ पे। भाई फाइनली पहुंच तो चुका हूं और यहां पे 125 टेम्पल्स है, पूरा तो घूम नहीं सकते, जितना होगा आज घूम के फिर बीजापुर चले जाएंगे। तो अंदर पूछते हैं, यहां पे भी टिकट लिया जा रहा है तो देखते हैं अगर कुछ हो जाए। यहां पे भी अलाउड कर दिया यार, मेरा किस्मत बहुत अच्छा है और यहां पे ऑफिसर भी बहुत अच्छे हैं। अगर भाई मैं म्यूजियम में वीडियोस कर पाता तो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलता, लिटरली भाई बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। अगर आप लोगों को कभी घूमना हो तो ज़रूर आइए, मैं तो रिकमेंड करूँगा भाई। अगर आप लोग आएंगे तो ज़रूर मुझे एक बार सिर्फ मेरे वीडियो पे कमेंट कर देना और मैं आप लोगों को कुछ हो सके तो सजेशन दे दूँगा। अगर आप लोग चाहते हैं तो कमेंट करो भाई। यहाँ से निकलते हैं और यहाँ पर इतने सारे मंदिर हैं कि मैं क्या बताऊँ, और 125 मंदिर हैं, सारे तो घुमा नहीं जा सकता। तो अगर देखता हूँ अगर होगा तो ठीक है, आज ऑलमोस्ट 3:30 बज चुका है तो टाइम नहीं है मेरे पास, जल्दी निकलना होगा यहाँ से और बीजापुर भी पहुँचना है। और सोचता हूँ कि रात को भी मैं हिचहाइक कर लूँगा, हो सके तो कर लूँगा, अगर नहीं हुआ तो फिर कोई बात ही नहीं। तो भाई निकलते हैं यहाँ से, और यहाँ से 10 किलोमीटर बता रहे हैं लोकल्स, अकॉर्डिंग टू लोकल्स यहाँ से 10 किलोमीटर जाओगे तो हाईवे मिलेगा, और पता नहीं हाँ चलो भाई। हाँ वेस्ट बंगाल, हाँ मैं ट्रैवल करता हूँ पैदल में, हाँ शुरू से ही अच्छा लगता है। चलो हाँ तो भाई लिफ्ट मिल चुका है अन्ना के पास, हाईवे तो छोड़ देंगे उसके बाद फिर बीजापुर के लिए लिफ्ट ढूंढेंगे। थैंक यू अन्ना, बाय। तो भाई अन्ना ने मुझे यहाँ पे छोड़ दिया लिटरली भाई, अन्ना बहुत अच्छा थे, मतलब मेरे लिए स्पेशली वो 15-20 किलोमीटर दूर मुझे हाईवे पे छोड़ने आए। बीजापुर का लिफ्ट ढूंढने की कोशिश करते भाई, अन्ना मेरे लिए गाड़ी भी ढूंढ रहा था बट मैंने कहा कि अन्ना आप चले जाओ, ऑलरेडी आपका लेट हो चुका है, 5 बज चुका है तो मुझे ठीक नहीं लगा, सुनसान रास्ता है, देख कितना देर में लिफ्ट मिलता है।
ओ भाई स्कूल वैन, स्कूल वैन में लिफ्ट। ओके ओके ठीक है अना, आई एम गोइंग टू बीजापुर। ओके ओके नो प्रॉब्लम। ओके थैंक यू। ये स्कूल वैन रुका था बट 2 किलोमीटर जाएंगे सिर्फ। अन्ना रुक जाओ यार। तो भाई लिफ्ट मिल चुका है, भाई ने दिया तो चलते हैं। बीजापुर का डायरेक्ट लिफ्ट मिल चुका है लिटरली भाई, बहुत देर बाद मिला, बड़ा अच्छा लग रहा है, चलते हैं। भाई ऑलमोस्ट बहुत सारे ट्रेजेडी के बाद मैं पहुंच चुका हूँ बीजापुर, और पूछते हैं लोगों से, इतना ना कॉन्फिडेंस है कि जाके बोल सके, अगर नहीं हुआ तो फील तो है ही, या फिर रेलवे स्टेशन पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो वहाँ पे ट्राई करेंगे। हालांकि अभी बाज़ार बहुत खुला हुआ है तो किसी से भी पूछ के ईजीली कहीं पर भी जगह ले सकते हैं हम। रात को यार ट्रैवल करना कितना मुश्किल है आज मुझे समझ में आया। भाई जामा मस्जिद किधर है? ओ वहाँ पे जमात आया हुआ है क्या? जमात नहीं है, जमात तो जुम्मा के दिन रहती है। आज नहीं रहने देता है क्या? रूम की नहीं है उधर पे। नहीं रूम नहीं, ऐसे ही रहने देता है, ऐसे ही रहे। मेरे पास टेंट है, टेंट है, टेंट है, टेंट है। उधर बड़े लोग ठहरे रहते हैं ओके। लोग तो बोल रहे हैं कि मिल जाएंगे, 2-3 बंदे को पूछा तो बोला कि ट्राई करो मिल जाएंगे, ट्राई करेंगे। डर लग रहा है यार, कुछ दिन पहले ही काटा है मुझे, 3 इंजेक्शन ले लिया हूँ और एक बाकी है, फिर काट लेके तो मुश्किल में आ जाऊँगा। भाई हाँ भाई मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, बट भाई एक बात बोलूँ, यहाँ पे जमा मस्जिद में रहने के लिए जगह मिल जाएगी करने के लिए रात को? तो भाई आज का रहने का जगह हो चुका है और एक मस्जिद में मिला है यहाँ पे बीजापुर का। और तो आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।